मेरा जी नहीं लगना। और राम जी कहते कोई गल नहीं, तेरा जी लगे, असि तेन एक वरदान देने। जिथे भी कथा हो, जिथे भी राम नाम का गुणगान हो, जिथे भी कृष्ण नाम की महिमा होगी, जिथे माता का जगराता होगा, जिथे बालाजी की चौकी होगी, सब तो पहला तू उ पहुंच जी। चाहे सारे चले जा पर तू नहीं जा। ताई तक कहने कथा आरंभ हो We'll be right back.
करते हैं। सारे बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखो तुसी भावे जो मर्जी आओ लेट आओ पर मैं टाइम का पक्का हां। मेरा वादा सी 6 बजे पूरे भगवान का जन्म हो जाएगा। बस 5 मिनट बाद भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का प्राकट्य हो जाएगा। दशम स्कंद का पहला श्लोक की कहता पता कथितो अंशिशिर सितारो भवता सौम्यो सूर्य राज्ञ चोभ्यम अंशनाम चरितम प्रदाद धूता यशो चैधरो निलाम सा। कहते राजन प्रक्षक ने प्रश्न किया कि सूरज वंश की कथा तो तुसी सुनाई, चंद्रवंश राजा की कथा भी लंबी चौड़ी सुनाई, महाराज सब तो प्यारी चर्चा सब तो सुंदर चर्चा जड़ी मन नू मोल है जड़ी मन नू ओदे चरणा च लै जाए ते मन नू ओदा दीवाना कर दे। बस मेरा कहंदे ने जदों प्रेम बेअंत हो गया समझो रोम रोम संत हो गया। बस हम तो प्रेम की कथा सुनाओ क्योंकि जो प्रेम होता है ता ही बेड़ा पार होता है। तो फिर भगवान ने सुनाया वसुदेव ग्रह साक्षात भवानी पुरुष पर जनकिष्टते त्रिपिचात्ता संभूवता सुश्रिया। राजन वसुदेव द परम मित्र कंस परम मित्र ने दोनों और वसुदेव दी इन्नी प्रीति है कंस दे नाल के कोई भी काम करता कंस का वसुदेव तो पूछ के करता। एक दिन कंस की चचेरी भैन देवकी जवान हुई तो कंस सोचन लगा मेरी भैन है ऐसी शादी मैं किसी अच्छे लड़के नाल करांगा। तो राज जोशियां ने कहा कि क्यों ना तू देवकी की शादी वासुदेव जी ना नहीं कर दे ऐतू वधिया की हो सकता है। वासुदेव रहे साक्षता वासुदेव नू बुलाया कहंदे कंस कहंदा है कहंदा वासुदेव तू मेरा विश्वासी मित्र है तू मेरा परम मित्र है मैं अपनी भैन का रिश्ता तेनू देना। वासुदेव जी कहते मंजूर है बोलो नारायण भगवान की जय। ब्याह हो गया जदों ब्याह हो गया ते डोली तोरन लगे रात को ढक रहा है कौन कंस ते आकाशवाणी हुई बसर करिए जलो बदल करिए कह दो कंस ए की कर रहे। कंस ने उपर नु देखिया कौन है कहंदे जिंदी तू टोली तोरे एदे 8वें गर्भ दा जेड़ा बच्चा पुत्र होएगा ओही तेरा काल बनेगा बोल नारायण भगवान की जय हो। कहंदे 8वां गर्भ कहंदे अच्छा तलवार काट दी कहंदा आपां भैन नु ही मार दिए। जदों तलवार कटी ध्यान देना पखा बंद कर दो जी मैं इतने बैठे ठंड लगी है बोलो नारायण भगवान की जय हो। तलवार कटी वासुदेव ने ना किने कंस ने जो कंस ने तलवार कटी तो कहता मैं मार दवांगा तो वासुदेव ने उसके चरण फाले कहते कंस देख तू मेरे ते विश्वास करना है कहता अपने तो भी करना फिर जा तेरा ते मेरा वादा है
जेड़ी भी औलाद इहदे घरे होवेगी मैं सब तो पहले तेरी झोली पा देंगा, पर इहनू ना मारी, मैं इहदे नाल विआह करा। अच्छा कहिंदे जा फिर तैनू छड्डिया पिछों सेनापति, कहिंदे पिछों सेनापति कहिंदे कंस तू पागल हो गया, तू पागल हो गया, जे इन्होंने बच्चे की हेरा फेरी करके बच्चे नूं कितने लंगोता हो सकता उही बच्चा तेनों मार दे, इन्हां नूं अपनी कैद च रख। दोवां नूं फड़िया ते कारावास विच बंद करता। ध्यान देना पहले साल पुत्र होया, आहा पुत्र होया वासुदेव जी कहिंदे जा वी कंस एला पुत्र होया। कंस कहिंदा इह तां पहला पुत्र है, मैनू तां अठवें तो खतरा है, हां वापस लै। नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण, कहिंदे कंस तेरे तो फिर पागल हो गया। कहिंदे की गल हो गई, टोकरी दे विच सेब रख दिते। कहिंदे कंस मैनू इन्हां विचों पहला सेब दस ते अठवां सेब दस केड़ा। कहिंदा सारे पहले सारे अठवें। कहिंदे फिर तू भगवान नूं नहीं जानदा, जे उहने पिछों गिनती शुरू करती ते इहने तैनूं मार देना है। भगवान उल्टी गिनती भी करदे नहीं, मार दे। क्यों क्या पता भी इहदे पापां दा घड़ा जल्दी भाजे, क्योंकि नारद जी नूं भी पता सी कि भगवान ये सारे पुत्र देवकी नूं वापस लिया के देणगे। इत्थे कईआं दे मन च आया होणा भी नारद जी ने तो उहदा बच्चा ही मरवा दिया है ना, लेकिन नारद जी नूं पता सी कि भगवान देवकी नूं सारे पुत्र वापस लिया के देणगे। कहिंदे नारद उहदे चक्करां च ना पई सारे बच्चे मार, पहले बच्चे नूं मारिया, दूजा होया, तीजा होया, चौथा होया, पंजवां होया, छेवां होया, जदों सतवां गर्भ आया देव माया योग माया ते भगवान अठवें गर्भ की तैयारी कर रहे ने, ते योग माया नूं आदेश दिता भी हुण मथुरा दी जेल दे अंदर जन्म तां मैं लवांगा पर जाना तुसीं है, जन्म मैं लवांगा, सतवें नंबर ते तुसीं ते अठवां मैं, जन्म मैं लवांगा पर मैं स्कीम प्रोग्राम ऐसा बनाऊंगा भी मैं रातों रात गोकुल पहुंचूंगा ते तुसी कंस नूं मेरे बारे माड़ा मोटा दस्या जी ज्यादा ना दस्या। ठीक है जी, जो तुहाडी आ गया। वासुदेव दे परम मित्र नंद बाबा वासुदेव की मुलाकात करन आउंदे ने, कहिंदे जेल विच ऐ कष्ट तैनूं बहुत हो रहा हो। वासुदेव जी उन्होंने कहते कान कर एक गल करनी है, कहते मेरे घरे पुत्र होने वाला मैं चाहना जे किसी भी तरह जंदरे जंदरे टूट गए ना, क्योंकि पापी ने मेरे छे पुत्र मार दिए, किसी भी तरह मैं यत्न करूंगा, मैं पुत्र तेरे घरे बचावगा। ध्यान देना, नंदस्त आत्मदे इति आनंद मत भागवत कथा ये कहती है कि नंद जी नूं सारा पता सी लेकिन भगवान ने माया नाल सारा कुछ भुला दिया। पहला सारा प्रोग्राम फिट करता फिर भुलाता, और ध्यान देना और उधर योग माया जेड़ी है वो भी तैयारी वट रही है, और भगवान वैकुंठ दे विचों चतुर्भुज रूप धारण करदे ने, और चतुर्भुज रूप धारण करके भादरों की अष्टमी, जन्माष्टमी भादरों की अष्टमी, और रात किन्ने बजे, किन्ने बजे, 11 बजे, अच्छा 12 बजे, रात 12 बजे, और रोहिणी नक्षत्र और प्रथम चरण और सिंह लगन और सप्तम राहु और धनु लगन, लगन च बृहस्पति और बृहस्पति लगन च आउंदिया सार ही भगवान मथुरा नगरी दे अंदर देवकी दे
ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਬਿਹਾਰੀ ਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਵਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲੋ ਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਬੋਲੋ ਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ ਦੇਵਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰ ਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਦਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੰਦਰੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਛੱਜ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਮਣਾ ਨੂੰ ਚਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਬੋ ਨਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਭਗਵਾਨ ਛੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਛੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਮਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਰ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਮਨਾ ਭਗਵਾਨ ਗੋਕੁਲ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮਦਰਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੰਸ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆਏਗੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੰਨਿਆ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਪਰਵਾਨ ਤੁਮ ਅੰਬੇ ਕਰ ਦੋ ਅਮਰ ਜਿਸ ਪਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮਹਿਰਵਾਨ ਕਾਲੀ ਕਾਲ ਕੇ ਪੰਜੋ ਸੇ ਤੁਮ ਬਚਾਨਾ ਜਾਨ ਕਰ ਗੋਰੀ ਗੋਦੀ ਮੇ ਬਠਾਣਾ ਆਪਣਾ ਬਾਲਕ ਜਾਨ ਕਰ ਚਿੰਤਾ ਪੁਰਣੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਤੁਮ ਕਰਦੀ ਰਹੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਖੋ ਭੰਡਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੁਮ ਕਰਦੀ ਰਹੋ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੈਣੋ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋ ਦੇਣਾ ਤੁਮ ਬੜਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੋਂ ਸੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੁਮ ਬਚਾ ਮੰਗਲਾ ਮੰਗਲ ਸਦਾ ਕਰਨਾ ਭਵਨ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਚੰਡ ਕਾ ਚੜਤੀ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਭਦ੍ਰ ਕਾਲੀ ਭਦ੍ਰ ਪੁਰਸ਼ੋਂ ਸੇ ਮਿਲਾਣਾ ਤੁਮ ਸਦਾ ਦਵਾਲਾ ਜਰਣਾ ਈਰਸ਼ਾ ਵਸੀਏ ਮਿਟਾਣਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਚਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਪੇ ਇਨ ਭਗਤੋਂ ਪੇ ਐਸੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਸੁਖ ਸੰਪਤੀ ਸੇ ਸਦਾ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੋ ਓ ਪਾਪੀ ਕੰਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਜ ਨਗਰੀ ਚ ਜਨਮ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਜ ਨਗਰੀ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ ਵੋ ਸੋਹਣੀ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਵੋ ਉਸ ਕਾ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਬੋਲੋ ਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਇੱਕ ਦੋ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਲਈਏ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸੁਣਾ ਲਈਏ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ
कई बार ये पता की हमें फोन करिए पंड जुड़ा साढ़े छे बजे करे अज तुम मैं सारे पता है तुम सब्जी बना के आए जे सारे मैं बहुत ज्ञान है अज सारिया भैन करे सब्जी बना के आई है कभी बस फुड़के लाने काम त्यार बोलो नारायण भगवान की असं भी पंडित जी हाँ सानू पता है अज भावे साढ़े छे हो राज नहीं तुम जाते बोलो नारायण भगवान की काली कमली वाला मेरा यार बस इतनी शरण मांगू मैं शामा मेरी नाव के तुम रख भैया जिनू जिनू खुशी है जिन्हें नच के हाजरी लानी है इधर साढ़े गुरु हर साहिब लाइव के सतपाल सिंह जी और इधर जन्नत टीवी के जीवन ज्योत कौर जी मक्कड़ अपनी बाखूब सेवा निभा रहे हैं घर बैठे लोगों को आस्ट्रेलिया तक इंग्लैंड तक कनेडा तक कथा दिखा रहे हैं इसलिए इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है ओ काली कमली वाला मेरा यार है Yeah.
और वैसे भी कल मस्या है
कल मस्या है और जेड़ी मस्या वीरवार की होती है, जेड़ी मस्या वीरवार की होती है वो फलदायक होती है, जेड़ी मस्या शनिवार की होती थोड़ी करनी होती है, और जेड़ी मस्या नू ठाकुर जी नू भोग लगता है वो ताड़े पितरां तक भी पहुंचता है। कल ताड़े वड़े वडेरे भी खुश हो जाएंगे भी मस्या नू भोग लाओगे तो। कल तुसी सारिया ने जिवें भगवान ने समूहिक भोजन किया सी ना, मतलब कि खिचड़ी विच गुड़ पा के ते कढ़ी विच सब्जी पा के ते रोटी विच दलिया पा के इस तरह जो भी प्रसाद आएगा उन्होंने इकट्ठा कर दिया जी, फिर जिहड़ा आनंद आएगा कुछ और ही होएगा। वैसे कढ़ी चावल ज़्यादा बना के लिया जी, कढ़ी चावल का प्रसाद कल बना सकते हो और टॉफियां लाइट चलेगी आम आदमी की।